everyone. Kindly read your test thoroughly, okay? Read your quiz thoroughly. You know every point, but still फिर भी पढ़ के कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं घुमा फिरा के answers देती हूँ, questions देती हूँ, सही है? So you know the answer, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर दें, सही है? So kindly इस बात का ख्याल रखिएगा. Yes, Amar? मिस्टर 12 है, सिर्फ 12. बस सिर्फ 12. Wow, thank you, miss. पहले जल्दी से टेस्ट करो, बाद में बातें करना. ओके, मैं चेक करती रहूंगी कि किस किसने जो है वो अपना टेस्ट सबमिट करा दिया है, किस किसने नहीं कराया. सही है. As soon as you submitted, do let me know. Then teacher. Then? Let's see. Yes. Okay. This is a 10 minutes test जो कि मुझे पता है आप लोग इससे भी पहले कर लेंगे, but still, okay? आराम आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है. Okay, Ali Ahmed. I have received your quiz. इसे strike का मतलब क्या होता है? Strike का मतलब क्या होता है? Strike का मतलब होता है किसी चीज को जोर से मारना. हिट करना. थैंक यू मिस. यू आर वेलकम. ओके, वी हैव हमाद्स टेस्ट. हमाद और अली अहमद एक्सीलेंट बेटा. ओके, देन वी हैव अयान एक्सीलेंट बेटा. देन वी हैव हुज़ैफा. एक नाइस ट्राई, लेकिन आप थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं. ओके, आई आल्सो हैव डन. Miss, I also have done. Hamad? Hamad, I think I saw your test. Miss? Ji, beta? Miss? Ji? Miss, I don't give quiz. Oh, Ahmed. Teacher, test ka list. Ahmed, I have sent the link in chat. Okay. Fatma and Ahmed, I have sent the link in chat again. Kindly go and search it from there. Okay. So far, the highest marks are 9, which is of Ali Ahmed and Ahmad and Ayan as well. Okay. Ayan, excellent bit of. You have improved. Okay, and this test, and I'm very happy. Okay, as soon as you're done, do let me know. Okay, जो आप लोगों को मेरी क्लास के रूल्स सब तक पता चल ही गए होंगे कि जो भी टेस्ट के अंदर या फिर नॉर्मली मेरी क्लास के अंदर अपनी वीडियो ऑफ रखेगा उसके -2 marks करा करोगे टेस्ट के अंदर. सही है. तब आप लोग वीडियो बंद करिए, जो लेटेगा उसके तो -4 marks होंगे. सही है. मुझे बैठा हुआ नहीं दिखा. मुझे डर लग रहा है. अहमद अफजल, मिस अहमद अफजल कैमरा ऑफ करके ऐसा ही लगता है कि लेटे हुए होते हैं.
अहमद अफजल फातिमा अलिजबा बेटा वेयर इज योर वीडियो मिस उमर का और शमीर का भी कैमरा ऑफ है उमर अभी गए उठ के और शमीर बाकी शमीर बेटा फाइंड यू ओपन वी हैव अयान अहमद यस जाके क्विज करो अपना इस्लामियत का चैट पर भेज दो चैट पर लिंक भेज दी है अम्मा जी इसमें भी साइन इन I am back. So kindly आपने अपना शो जल्दी से क्विज कर लिया है। इसमें इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है फर्स्ट। जो मैंने टू करा था, जो मेरा गलत होया, उसका आंसर है फर्स्ट। पहले उन्होंने कहाँ सपोर्ट करा था? पहले उन्होंने सपोर्ट करा था, बाद में वो गए थे कि फर्स्ट बोल रहे हैं। तो ये था ना वाइफ ऑफ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सपोर्टेड सबसे पहले आप लोग अपना क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए ओके देन वी विल गो थ्रू योर क्विज और हम लोग जो सारे आंसर्स जब सॉल्व कर लेंगे आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द आंसर्स कि क्या प्रॉब्लम थी सही है डोंट वरी अच्छे बच्चों की तरह पहले अपना क्विज पे ध्यान दीजिए मिस आपका नेट खराब चल रहा है क्या मिस आपकी आवाज नहीं आ रही हैव यू डन योर क्विज मिस एट आई ओके एट इज नॉट नेट का थोड़ा सा मसला आया था आंसर एकदम जो मेरे पहले आंसर चूज कर लिए ना तो जब मैं फर्स्ट बार हूँ डायरेक्ट वही आ जा रहे थे डोंट वरी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा टेस्ट के बारे में सही है एंड वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज अगेन सही है वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज अगेन सो डोंट वरी ओके मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज ऑन फ्राइडे सही है ताकि फ्राइडे को इस्लामिक की क्लास है तो फ्राइडे को इस्लामिक का क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे दिस इज गोइंग टू बी सेकंड क्विज ऑफ इस्लामिक यस किरत How can I help you? Teacher, मैं अभी आई हूँ. Teacher मुझे link भेज दें quiz की. Teacher, एक तो सबसे पहली बात आप लोग kindly class में चाहे वो time पे आया कीजिए. I'm talking to all of you. सही है? Fahad was late today. Yes, Kirat, I know. Don't worry. Okay, I'm letting it go today. सही है? But kindly आप लोग अपनी class में time पे आया कीजिए. के बाद से आप देखिएगा मैं आप लोग की meeting lock करना start करूँ. सही है? Once I lock the meeting, you cannot join it. So kindly, आप लोग अपने time पे आया कीजिए ताकि एक ही दफा सब चीजें start हो. सब साथ quiz कर रहे हैं, सब चीजें साथ खत्म हो. Yes, Amar, do you want to ask something? Miss, I want to ask that Fahad has submitted his quiz. Okay, that is a very unique question. I was not expecting. Let's see. So far, I received 4 people. Let's see. Okay, Aurelia, I have received yours. Zana. Fatima. Aisha. Aisha, excellent meetup.
वफा ओवर नो आई हैवंट रिसीव द क्विज ऑफ लेट्स सी मैंने अभी ज्वाइन करी है और टीचर वो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे देंगे 15-20 मिनट There are only 10 to enforce Fahad okay तेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम है ओके फाइन 10 मिनट्स एट द लीस्ट यस किरण टीचर मैंने टेस्ट कर लिया आपको सबमिट कर दिया आपके पास आ गया ओके मैं चेक ओके सो फार यस सॉरी डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग बेटा नो No. Quiz? Yes. Yes. Very good. Yes, sir. Okay. So, those who are having any kind of problem in their quiz, or you know, if they think that their quiz did not go that well, so they will have a second chance on Friday. Okay. We will have again a quiz of Islamic on Friday. So make sure that you know. Whatever you have made your mistakes today, you won't make them again. Yes, Shamir, where were you? Light, direct type of teacher. मैंने कहा पहले quiz कर लूँ. Avis पे वो browser है teachers ने वो खुला हुआ था पहले से. Okay, everyone. जो जो देर से आया है जिसके अंदर जो है वो समीर अहमद है. सही है. So, Kirat, Samir, Fahad, बेटा, you have 10 minutes. To do your quiz, Sami, मैंने जो है वो quiz की link जो है वो chat के अंदर भेजी हुई है. Quiz की जो link है वो जब मैंने chat के अंदर भेजी हुई है, so वहाँ से जाइए अपना quiz जो है time कीजिए. You have 10 more minutes, then we are going to start with the lecture. Okay? So kindly जल्दी से अपने अपने quiz पे focus कीजिए सब. Sami बेटा, are you done with the quiz? Yes, teacher. I got 10 out of 10, teacher. Let's see. Okay, Kirat, I have received your quiz. And Ahmed Afzal, I have received your quiz as well. And Shabir. Okay. I will see your quizzes. Okay. So far now only Sameer, Fahad, Alishba. Okay. Only 3 students are left. So yeah. So I'm going to wait 5 more minutes. और उसके बाद जो है वो we are going to start the lecture. आप लोग अपना quiz करते रहिएगा. हम लोग अपनी पढ़ाई आगे continue कर देंगे. Kindly see your mistakes so that you can do them again. Yes, mistake dekh li. Allah is bye. Where are you going? Please, main class join kar raha hu. Class. No idea. Those who are late, they must know that there will be no science class today. Okay, and I'll be taking the class of science as well. Okay, so after the test, we still have 1 hour left for the class. सही है, जिसके अंदर बीच में आपके 5 minutes break होगी और हम लोग जो है हो सकता है हम जल्दी mind up पढ़ लें तो class जल्दी off हो जाए. सही है, but up till now ऐसा कोई अभी तक मेरे decision ऐसा है नहीं. सही है,
तो आप लोग इस्लामिक की वर्कशीट जो है वो भी पूरी वसल्लम की अभी तक फिनिश नहीं हुई है, सही है? तो मैं कोई टू बट दैट लाइट पेंट करके उसके लुक बना लो डार्क पे. We are having work. Okay, Fahad, are you done? Where are you? Fahad, ho gaya kis beta? Sameer, Fahad aur Elishba. Teacher, maine kar liya. Okay, Sameer, excellent. Yes, Fahad. Where is Fahad? Yes, Fahad. Sir, you know, why is your video always closed? Sameer is done with the quiz. Fahad, are you done with the quiz, beta? Okay, fine. I think all of them have done the quiz, say it. So we're going to start with our lecture. Okay, and at the you know when we're going to start the next class, okay, like after the short teacher break. Teacher, mere 10 out of 7 hai. Okay, very good. So after we're going to start our next class, then I will let you know all the answers. जो कि जब आप लोगों से mistakes हुई हैं, अगर तो अभी submit करा दिया तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं इस बारे में, सही है? Try to think कि अलिश्मा ने मुझे अभी तक submit करा है. Yes, only I haven't received the quiz of only Alishba. सही है? बाकी सबने जो है वो अपना submit करा दी है. सही है? So जल्दी से आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा. I'm going to explain all the questions ताकि अगर आप लोगों से कोई भी mistake हुई है या आप लोगों ने कोई भी गलती करी है, हम लोग उसको एक दफा go through करें. सही है? Okay, now listen very carefully. First of all, you need to select your name. Okay, that is a very simple question. Okay, I'm going to go with Ali Ahmed. Okay, as it is the first name. Okay, Ali Ahmed, I really hope you have 5 bread. Man, say it because I have 5 bread. Pick. Now, true and false. Number one, Muhammad Ayub, Prophet Ayub Salam was a rich man. Say it. Number one is whether Prophet Salam was Ayub Salam was rich or not, and it is true. Say it. Why? Because मैं आप लोगों के पास बता चुकी हूँ कि जो Prophet Ayub Salam है वो क्या करते थे, वो उनके पास बहुत सारी कैटल्स थी, he had a very enormous amount of farm, सही है? और वो एक बहुत ज्यादा रिच थे उस अपने जो है वो कह ले आप अपनी टर्म के अंदर, अपनी सेंचुरी के अंदर, सही है? He was a very rich man. मोहम्मद अय्यूब अलैहिस्सलाम had 5 daughters. Okay, true or false? This is false. Why? Because I already told you that मोहम्मद अय्यूब अलैहिस्सलाम had 6 daughters and yet 6 sons. सही है? So total उनके कितने चिल्ड्रन थे? उनके 12 children. सही है? So automatically this is false. Okay? He had 6 daughters. Prophet Ayub Salam had a terrible sores all over his body. That is true. कि उनके पास से वो ugly looking sores थे जो कि हम ये उनकी उनको जो अल्लाह ताला ने test किया था, वो test ही इस disease के लिए किया था कि उनकी पूरी body पे क्या थे sores थे. Prophet Ayub Salam strike his hand on the ground and water came from there. सही है? कह रहे हैं कि जब Prophet Ayub Salam जब बीमार हो गए तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपना हाथ जो है वो ground पे जोर से मारा था और उसकी वजह से क्या हुआ था कि पानी बाहर निकला था. सही है? और जब उन्होंने स्पाइस से नहाया था तो वो क्योर हो गए थे. सही है? ये पूरी स्टोरी सही है, लेकिन उन्होंने अपना हाथ नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने क्या मारा था, अपनी फुट मारा था ग्राउंड पे. सही है? दैट इज व्हाई इट वाज फॉल्स. प्रॉफिट अय्यूब सलाम टॉट पीपल अबाउट इस्लाम. ट्रू. प्रॉफिट अय्यूब जो हमारे प्रॉफिट थे, उन्होंने क्या करा था, लोगों को इम्पोर्टेंस बताई थी इस्लाम की, उन्होंने रिलीजन इस्लाम को स्प्रेड करने में क्या करी थी, हेल्प करी थी. प्रॉफिट अय्यूब सलाम इज फेमस फॉर बीइंग पेशेंट. सही है? ये भी ट्रू है. व्हाई? बिकॉज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को टेस्ट थी किसके लिए किया गया था, उनकी पेशेंट्स के लिए किया गया था. वो हर वक्त सिक थे, पहले जो है वो उनकी बेल्स उनसे ले ली गई थी. सही है? उसके बाद क्या हुआ था कि उनके चिल्ड्रन उनसे ले लिए गए थे, लेकिन क्या हुआ था, ही वाज स्टिल पेशेंट और उनका अल्लाह ताला के ऊपर यकीन क्या रहा था, मजबूत रहा था. सही है? प्रॉफिट अय्यूब सलाम वाज वेरी एरोगेंट एंड केयर्ड ओनली फॉर हिमसेल्फ. दैट इज ऑलरेडी फॉल्स. सही है? क्योंकि प्रॉफिट अय्यूब सलाम एरोगेंट हो ही नहीं सकते. नो प्रॉफिट वाज एवर एरोगेंट. सही है? अल्लाह ताला ने हमारे सारे प्रॉफिट जो है वो चुन के बनाए हैं, एंड एवरीवन यूज्ड टू हेल्प एवरीवन. सही है? द प्रॉफिट अय्यूब सलाम सपोर्टेड हिम व्हेन ही वाज इल. सही है? दैट इज फॉल्स. व्हाई? क्योंकि क्या हुआ था कि जब हजरत अय्यूब सलाम जो है वो बीमार पड़ गए थे, तो उनकी वाइफ ने क्या करा था, उनकी वाइफ ने जो है वो उनको कहना स्टार्ट कर दिया था कि आप जो है वो
अल्लाह ताला को इतना बिलीव करते हैं, तो अगर इतने ही आप ये करें तो अल्लाह ताला आपको ठीक क्यों नहीं कर देते, सही है। और उनके वाइफ का क्या हो रहा था कि जैसे बीमार हुए थे उनकी वाइफ भी उनको छोड़ के चली गई थी। प्रॉफिट अलैहिस्सलाम प्रे टू गॉड एंड अल्लाह की ओर, सही है। चू कि जब हज़रत अलैहिस्सलाम को लगा था कि अब उनका जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, अब वो सही नहीं हो सकते, तो उन्होंने क्या करा था, अल्लाह ताला से जो है वो प्रे करा था। उन्होंने प्रे में क्या कहा था कि उनकी जो रूफ था उसकी क्या हुआ थी, जो हाउस था उसकी रूफ गिर गया था, सही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि उन सबकी डेथ हो गई थी, दे वर नॉट दे डिडंट डाई इन अ कार एक्सीडेंट, सही है। अप टिल नाउ आर वी यू नो इज द क्विज क्लियर, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। I really hope कि आप लोग सेम मिस्टेक्स दोबारा नहीं करेंगे, सही है। ओके, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। हरी अप, ओके, गिव मी अ थम्स अप विद अ वेरी प्रिटी स्माइल। ओके, ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट आप लोग काइंडली जो है वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो अपने इस्लामिक के लेक्चर्स निकालिए, इस्लामिक के नोट्स निकालिए, तो ये हम लोग जो है इस्लामिक से कंटिन्यू करेंगे। ओके, और उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन ऑफ यू इज गोइंग टू गिव मी अ रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ओके, सो हु इज कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव मी अ रीकैप? ओके, व्हाट डिड वी स्टडी इन द लास्ट क्लास? Last time we studied about beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ये तो आपने बताया था कि ये ऐसे थे कि उनका उनके अबू तालिब अंकल अबू तालिब और अबू मुत्तलिब इन दोनों ने उनको बड़ा किया था जब तक वो छह साल के थे। आपने आगे ये भी बताया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी ना, अजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी शादी हुई थी वो 25 years old. हम लोग हमेशा सील का भी यूज करते हैं, हमारा कोई भी काम क्या होता है खत्म हो जाता है, सही है। तो वी यूज द वर्ड सील, हम उस काम पे क्या करते हैं अभी सील लगा देते हैं। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जाता था, उनको लास्ट प्रॉफिट कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाई इज आल्सो नोन एज द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी प्रॉफिट कभी भी नहीं आएंगे, सही है। देन आई टोल्ड यू कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के थे, ही यूज्ड टू बी एन ऑर्फन, सही है। एक ऑर्फन हु इज एन कॉल्ड एन ऑर्फन, अ पर्सन हु डज नॉट हैज एनी काइंड ऑफ यू नो फादर और मदर, सही है। ही वाज एन ऑर्फन, लेकिन उनको किसने बड़ा किया था, जिस तरह से उमर ने बताया कि he had his uncle, सही है, हज़रत अबू मुतालिब, और जो है वो हज़रत अबू तालिब इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, रसूल सल्लम को बड़ा करने में हेल्प करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट कि क्या हुआ था कि प्रॉफेट रसूल सल्लम जो है वो 25 इयर्स के थे, एंड उनको जो है उस जमाने में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो अरब के अंदर सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा रिच जो है वो लोगों में आती थी, सही है। वहाँ पे क्या होता है कि पहली दफा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे तो वो कहाँ पे आए थे, वो
वहां पे फर्स्ट टाइम जो है मूसा अलैहिस्सलाम किससे मिले थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिले थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे आते ही कहा था ही आस्क मूसा अलैहिस्सलाम टू रीड, तो ये कहा था कि पढ़ो, सही है। एंड मूसा अलैहिस्सलाम कुडंट रीड इट, व्हाई, बिकॉज़ ही वाज नॉट एजुकेटेड। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या करा था, उनको पढ़ना लिखना सिखाया था और उनको क्या कहा था कि हमें क्या करना है, अब हर किसी भी इंसान को अपने से दूसरे इंसान को जो कि आपसे कम पढ़ा लिखा, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उस चीज से शेयर करनी चाहिए, सही है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी कि किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट बने और किस तरह से लोगों की हेल्प करें, सही है। दिस वाज अ रीकैप, ओके। इफ एवरीथिंग इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर, ओके। इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ, ओके। दिस वाज ओनली अ रीकैप, ओके। आई हैव टोल्ड यू नथिंग न्यू, दिस वाज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ओके। So now what we're going to do is that all of you are going to go, okay, hamari jo hai wo 40 minutes ki zoom ki limit hai, sahi hai। To ab hum kya karenge, hum log zoom jo hai wo leave karenge, we have 5 minute break hai aap logo ki, abhi 5:38 ho rahe hai, ab log apni class kab start karenge, 5:45, sahi hai। 5 minute ki break, aap log jaake pani pijiye, apne aap ko fresh kijiye, aur uske baad hum log 5 minutes ke baad dobara yahi zoom pe milte hain, okay। Is everything clear? आप अगर आपको अनम्यूट करके मुझसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, सही है। मिस कब हमें वापस आने की, क्लास में 5 मिनट के बाद, जल्दी से आप जल्दी से 5 मिनट के बाद जल्दी से मिस कर दें टीचर, साइंस की जगह भी लेंगी। एग्जैक्टली, फिलहाल आप लोगों को क्या पता करना है कि 5 मिनट के बाद हमारी क्लास दोबारा से रिज्यूम होगी, तो उसमें आप अभी लीव कर सकते हैं। आप ये कर ले ताकि एक घंटे की आराम से हो जाए, हमें फिर से लीव, यस मैम, फिर से लीव ना करना पड़े, बता देता हूँ कैसे करनी है मिस। उमर वो सिर्फ जो है वो शेड्यूल मीटिंग्स के अंदर होता है, दिस इज अ प्राइवेट मीटिंग, सही है। आई ऑलरेडी सॉ देयर देयर इज नो सच थिंग एज टाइम लिमिट, ओके। आई ऑलरेडी ट्राइड इट, लेकिन इसमें जो है वो ये पॉसिबल नहीं है, सही है। उसके लिए फिर मुझे हर दफा जो है वो नई आईडी, हर दफा मेरी आईडी भी चेंज होगी, हर दफा मेरा पासवर्ड। लाफिस, डोंट बी लेट, दिस इज ओनली अ 5 मिनट ब्रेक, ओके। लाफिस मिस, लाफिस, वी आर मीटिंग आफ्टर 5 मिनट्स, ओके। सो देयर इज रियली नो नीड फॉर लाफिस, ओके मिस, आई विल प्ले गेम्स।